जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश औसम जबरदस्त वीडियो में देखेंगे, बात करेंगे सभा स्थल से जुड़े हुए कुछ रोचक दृश्य। यह वीडियो सभा स्थल पार्ट टू का है। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। आपको किस प्रकार से दरभंगा एम्स का निर्माण होगा और कैसे कैसे बनाया जाएगा, एक के बाद एक लगातार जल्द वीडियो मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सभा स्थल नहीं आ पाए तो चिंता ना करें, हर एक अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से लगातार आपके पास आज ही आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो अंदर जो सभा स्थल है वो कहीं भी से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये रीज़न मैं बता दूँ जो यहाँ पे भीड़ क्यों है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया जगह है प्रधानमंत्री जी जब लैंड करेंगे वो देखने के लिए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो कितना नज़दीक है, यहाँ पे सब कुछ वो लोग अपने आँखों से साक्षात लाइव देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये पूरा भीड़ जो है ना, यहाँ पे मंथ से थोड़ा सा बैकवर्ड है, बैकवर्ड स्टेज है ये पूरा भीड़, उसको देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो लैंडिंग टेक ऑफ जो है प्रधानमंत्री जी का देख सकें। ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ यहाँ पे भीड़ क्यों है। एक्चुअली ये है, यहाँ से सबसे बेहतरीन व्यू आता है जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे तो ये देखने के लिए जो हेलीकॉप्टर से कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं। तो इसलिए सब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे लोग, जो मैं एक्चुअली सच में बता रहा हूँ, यही सब चीज़ देखने के लिए यहाँ पे ये लोग इकट्ठा है। अंदर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ रोड पर कहीं भीड़ है तो यहीं पर भीड़ है। मैं भी आपको दिखाऊँगा जो कैसे लैंडिंग टेक ऑफ होता है। मैं भी आम मेरे को पास मिला हुआ है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर मंच तक, जो मैं ये आपको आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगा, क्रिएट कंटेंट क्रिएट करूँगा। तो देखते रहिए, बने रहिए। दोस्तों, अभी 11 बज के खुद पुणे 11 बज रहे हैं और अभी तक कोई भी हलचल नहीं है यहाँ पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मैं आपके लिए कैप्चर करूँ सारा चीज़ यहाँ पे, जो कि मेरे को नहीं दिख रहा है, दूर से मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सभा स्थल तक जाना चाह रहा हूँ लेकिन आप लोगों के कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। एक बार मैं मोदी जी का आगमन देखना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, खुद भी देखना चाहता हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ कैसे कितने हेलीकॉप्टर आएंगे, कितने सब कुछ नज़दीक से हो सकता है, जितना भी नज़दीक हो मैं कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। आज बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना लॉन्ग वीडियोस का डिमांड कर रहे हैं, तो लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बन पाएगा लेकिन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके मैंने दो तीन लगातार वीडियो मैं आपको डिलीवर करूँगा आपको आज, ये मैं प्रोमिस कर रहा हूँ। लगातार आपको 3-4 बजे के बाद आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला, ये हेलीकॉप्टर जो आप मूवमेंट देख रहे होंगे। सबसे अच्छा भीड़ यहाँ पे क्यों है आपको ये मूवमेंट देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये जो है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊँ, ये देख लीजिए, ये नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी जी हैं या कोई और हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा दूर से। ये देख लीजिए उनका लैंडिंग हो रहा है, भारत वायुसेना। ये देख लीजिए, वेलकम टू दरभंगा मोदी जी, वायुसेना। आइए, आपके लिए पूरा दरभंगा सज धज के तैयार है, पूरा देख लीजिए। दो 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 लगातार हेलीपैड आपको हेलीकॉप्टर दिखेंगे, दो तीन हेलीकॉप्टर जरूर दिखेंगे। नहीं, ये मोदी जी, ये देख लीजिए पूरा कैमरा, देख लीजिए कहाँ पे है कैमरा, ये देख लीजिए जैसे लग रहा है पूरा कैमरा 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 देर भार। ये पूरा लैंड हो गया है, ये अभी नहीं आया।
जो भी एकवी घाट से जो ट्रैफिक आ रहा है, जो भी गाड़ियां आ रही हैं, उसका मैंने आपको पार्किंग दिखाया। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हो, पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हो, स्कॉर्पियो ही स्कॉर्पियो, यहां पे बसेस नहीं है, बसेस को यहां पे अलाउ नहीं किया गया है। वो दूसरा पार्किंग की व्यवस्था, शोभन की तरफ से जो भी ट्रैफिक आता है, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वाला ट्रैफिक, जो SUV वाला ट्रैफिक है, यहाँ पर लगातार उसको यहाँ पर रोका जा रहा है। हालांकि मेरे को ज़्यादातर यहाँ पे प्रशासन की गाड़ियाँ को दिख रही है, नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, आप देख सकते हैं हेलीपैड पे, मैं भी कैप्चर करना चाह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जी कैसे आएंगे और कैसे हेलीकॉप्टर से आएंगे, उस चीज़ के लिए तो दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए चैनल पर। दोस्तों, आज जब मैं सुबह उठा और न्यूज़पेपर जो यहाँ पर मैंने पढ़ा था, उसके मुताबिक आज बिहार का जो दो सिटी है वो पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी में से आया है। हाजीपुर आज पूरे देश में सबसे पोल्यूशन वाला शहर है और पटना जो है तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। और उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देख सकते हैं, दूर दूर तक विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री जी का लैंडिंग देखने आए होंगे तो वो देख पाते हैं कि नहीं, चूँकि ऐसा विजिबिलिटी, बहुत विजिबिलिटी की कमी है। चारों तरफ आप दूर तक, मैं कैमरे घुमा रहा हूं लेकिन मेरे को नजर नहीं आ रहा है कोई, मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूं। ये देख लीजिए, दूर खड़ा है बहुत सारे बाइक्स, वो जो बांध बना हुआ है बागमती रिवर के ऊपर, उससे आना चाह रहे हैं, खेत से खेत आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे को आशा है जो आज पोल्यूशन के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, ग्रीन एनर्जी के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए, जलवायु परिवर्तन कुछ हो रहा है उसके बारे में भी ज़रूर बोलना चाहिए, चूँकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट उसके आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ना कर सकते हैं। और सारे जब भी बिल्डिंग बने दरभंगा एम्स की, वो ग्रीन एनर्जी के द्वारा बने, उसमें जितना भी हो सके अक्षय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, सोलर पावर का उपयोग किया जाए, हार्वेस्टिंग जो है ना, वाटर हार्वेस्टिंग जो है, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं यहाँ पे पानी ही पानी होगा जब जुलाई में आएंगे, उस पानी को रीयूज़ किया जाए अक्षय ऊर्जा के तहत, वो सबसे अच्छी बात होगी, जो पर्यावरण को बिना दूषित किए हुए बिल्डिंग को बनाया जाए, यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। दूर दूर तक जहाँ भी नज़र आएगा आपको लोग ही लोग, सर ही सर दिखेंगे, दूर दूर तक आज दिख रहे हैं तो आप देख ही सकते हो। सबसे बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, जो आपको प्रधानमंत्री जी आएंगे वहाँ से व्यू लेने के लिए, इससे अच्छा एरियल व्यू नहीं आ सकता। ग्राउंड वहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ लेकिन वहाँ पे फिर बहुत नज़दीक हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे बहुत सारे चीज़ें, तो इसलिए मैं दूर होके आपको मैं दिखा रहा हूँ। मंच तक भी जाने की कोशिश करूँगा मैं, भीड़ की वजह से हो सकता है मैं दूर तक ही रहूँ। ये देख लीजिए, ये जो पहला वाला हेलीकॉप्टर है वो जो है सुरक्षा दृष्टि से NSG का था, वो मोदी जी नहीं थे तो लगा मोदी जी आने से पहले दो तीन हेलीकॉप्टर आएगा, फिर मोदी जी किसी एक में हो सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी को लेके जो है ना लगातार तीन चार ऐसे हेलीकॉप्टर होंगे उनके पूरे काफिले में जो है ना तीन चार हेलीकॉप्टर होते हैं, इसलिए छः हेलीपैड ये सिक्योरिटी रीजन से भी बनाया जाता है, जो दूसरे जो भी आतंकवादी हो उनको पता ना चले जो कौन से मोदी का है, कौन सा कहाँ पे कौन उतरेगा, तो सुरक्षा के दृष्टि से ये पहला जो है ना NSG का हो सकता है, वो हेलीकॉप्टर हो एयरफोर्स से उतारा गया है, जो चाक चौबंद यहाँ से निरीक्षण किया जाए। ये देख लीजिए, पूरे जो सिक्योरिटी है सारे, एक घोरन होता है लाल चीटी होता है उसकी तरह जो है सारे जग गया है वहाँ पास में, वो वाला वो